विराजमान पूज्य गुरुजनों, आदरणीय महंतों, माता स्वरूपा मेरी माए एवं भाइयों, प्यारे प्यारे बच्चों, एक दिवसीय सत्संग समारोह का आज यह प्रोग्राम काफी देर से प्रारंभ है। मेरे लिए निर्देश हुआ है आप सभी के समक्ष सदगुरु कबीर की बातें रखने का प्रयास कर रहा हूं। सर्वप्रथम मैं महंत नहीं, महंत कहे आप उदारता है। महंत बनने के लिए योग्यता चाहिए, वो पावर चाहिए, वो हिम्मत चाहिए। महंत शब्द एक विशाल शब्द है। महंत वह होता है जो समाज को हैंडल करे, सही दिशा पे ले जाए। मंदिर का मठ का व्यवस्थापक हो, जिसके सानिध्य में बहुतों का कल्याण होता हो और अद्वितीय मार्ग पर चलता हो, जिनका एक एक रहनी संपन्न हो, जिनका एक एक आचरण संपन्न हो, जिनका चलना बोलना खाना पीना देखना हर चीज आदरणीय और पूजनीय हो जाए, जिसके सामने चरण आदमी झुकने को तैयार हो जाए, जिनके मुख से कभी कटुता ना निकले, जिनके मुख से कभी गलत शब्द ना निकले, ऐसे महंतों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं और ऐसे को महंत कहता हूं। मेरे पास उतनी अभी योग्यता नहीं है, मैं एक साधारण सा साधक हूं, छोटा सा साधक हूं और आप सबके समक्ष पहली बार आया हूं। मैं यहां से कुछ दिन पहले लगभग 28 तारीख को मैं यहाँ से नागपुर जा रहा था, रायपुर से अपनी गाड़ी से जा रहा था। अचानक राजकुमार जी फोन किए और यही रोड पर ही जाकर के मिले और कहे मुझे एक दिन का प्रोग्राम चाहिए, तो मैं बताया था कि आप और बाद में कॉल करिए, मैं आश्रम जाकर के बताऊंगा। और मेरा सौभाग्य है कि आप सबके समक्ष मेरे आना का आना हुआ और मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ। कबीर सदगुरु कबीर साहेब इस धराधार में धरातल में एक अद्वितीय महापुरुष रहे हैं, जिसके सामने हिंदू बौद्ध जैन मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग झुकने को तैयार हैं। एक सदगुरु कबीर ही ऐसा एक महापुरुष हुए हैं जिसको हिंदू भी और मुसलमान भी दोनों ने स्वीकार किया। ऐसा अद्वितीय महापुरुष देखने को बहुत कम मिलता है, बहुत कम मिलता है इस दुनिया में, इस भारत देश में। दुनिया की बात तो ना कहूं, इस भारत देश में ऐसा एक भी प्रवक्ता ना हो जो सदगुरु कबीर की बातें ना कहते हो। जब तक सदगुरु कबीर की बातें ना कहे, अपने बीच में उनकी साखी पंक्ति शब्द कहीं नहीं लाए, तब तक लगता है मेरी बात अधूरी रह गई, अभी पूरी नहीं हुई है। तो सदगुरु कबीर की बातें कहते हैं और मैं कहता हूँ आप सब बड़े धन्य के भागी है जो सदगुरु कबीर के विचारों को सुनने आए। कबीर कबीर पंथ सदगुरु कबीर ने नहीं चलाया है। सदगुरु कबीर के जाने के बाद कई वर्षों बाद सदगुरु कबीर पंथ चला और उन संतों की महान कृपा है जो कि इस पंथ के अनुसार से लोगों को एक सही मार्ग मिलता गया। कबीर पंथ का मतलब क्या होता है? कुछ लोग, मैं क्षमा चाहता हूं आदरणीय श्री राजकुमार जी कहे हैं, लेकिन मैं पर भी मैं अपने बातें कहने से मुझे हिचक नहीं लगती है। मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन सत्य तो बात सत्य है। कबीर पंथी कौन? कबीर का मतलब होता है महान और पंथ का मतलब होता है रास्ता। जो महान रास्ता पर चले वह कबीर पंथी है। कबीर साहब की पूजा करता हो या ना करता हो, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक आदमी है जो उसके दो पुत्र हैं और दोनों पुत्र में से एक पुत्र अपना पिता का मूर्ति बना लेता है और पिता का मूर्ति बना करके मूर्ति को भोग लगाता है, आरती पूजा करता है, उनका चरण रख लेता है और माता पिता से कोई वास्ता नहीं है।
और एक पिता है, एक पुत्र है जो रोज अपने माता पिता का सेवा करता है। तो आप किसको श्रेष्ठ मानेंगे सेवा करने वाले को? इसलिए यदि कोई कहे कि सिर्फ कबीर साहब की पूजा और आरती करने वाले कबीरपंथी है, तो मैं कबीरपंथी नहीं हूं, मैं क्षमा चाहता हूं। कबीर साहब की पूजा और आरती क्या है? कबीर साहब की असली पूजा है, पुत्र पूजा चरित्र की होती है, पूरा चित्र की नहीं होती है। और जो चित्र की पूजा करते हैं वो कोई गलत नहीं है, गलत नहीं है। कम से कम इसी चित्र के माध्यम से चरित्र तक तो पहुंचेंगे। हम श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, सतगुरु कबीर की पूजा करते हैं, राम की, कृष्ण की, महावीर की, ईसा की, मोहम्मद की, जितने भी महापुरुष की पूजा करते हैं वो गलत नहीं है। कम से कम इस पूजा के आधार पर उनके जीवन के चरित्र, जीवन गाथा को पढ़े और जीवन गाथा के साथ साथ उनके गहराई तक पहुंचे। हमारे भारतीय परंपरा में दो महाकाव्य है, एक रामायण और एक महाभारत। रामायण बहुत लोग पढ़ते हैं और जानते हैं श्री राम को, और श्री राम की उपासना भी बहुत लोग करते हैं, लेकिन आपस में कितना भाई और भाई लड़ते हैं, तो कैसे कह दूंगा मैं राम उपासक हूं, कैसे कह दूंगा? जो एक एक इंच एक एक फीट जमीन के लिए भाई भाई लड़ करके अपने घर में दरार पैदा करते चले जाते हैं और जिंदगी का महत्व ही नहीं समझ पाते हैं, मैं कैसे उनको मैं श्री राम के उपासक कह दूं? और मैं कैसे? इसलिए सतगुरु कबीर ने कहा है कि आपस का प्रेम, प्रेम बहुत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी मत पंथ को मानते हो, मैंने कहा मैं अपनी बात में आऊं, कबीर पंथी हर व्यक्ति है जो सतगुरु कबीर के सही मार्ग पर चलते हो। सतगुरु कबीर ने आज से 600 वर्ष पूर्व जिन बातों को कहे, आज विज्ञान के साथ वही बातें ठीक बैठती है। 625 वर्ष पूर्व जिन बातों को कबीर साहब ने कहा, वही बातें आज विज्ञान के साथ ठीक बैठती है। कटती नहीं है बातें, कटती नहीं है, जैसे कि बातें वैसी ही रह जाती है। सतगुरु कबीर की इतनी अद्वितीय शक्ति रही। कुछ लोगों ने सतगुरु कबीर को अनपढ़ माना। आप सतगुरु कबीर के बीजक पलटेंगे तो आप कभी नहीं कहेंगे कि सतगुरु कबीर साहब अनपढ़ है। सतगुरु कबीर साहब इतने ज्ञानी महापुरुष, अद्वितीय महापुरुष हुए हैं। उनको हर तरह का ज्ञान था, हर तरह का ज्ञान था, और वो पूरा भारत नहीं विदेश भी गए हैं, और जहां जैसे देखे वैसे अपनी बात कहे। सतगुरु कबीर की विशेषता ये रही है, सतगुरु कबीर भी इसी आधार पर अटके नहीं रहे, जैसे देखते थे वैसे वो कहते थे। इसलिए मैं कहा कि प्रेम, प्रेम के आधार पर जीवन का निर्माण होता है। आप किसी भी मत पंथ और संप्रदाय को मानते हो, जीवन में प्रेम बहुत आवश्यकता है। बिना प्रेम के आपका घर नहीं चल सकता, बिना प्रेम के आपका परिवार नहीं चल सकता, बिना प्रेम के आपका समाज नहीं चल सकता, बिना प्रेम का आपका गांव नहीं चल सकता, और बिना प्रेम के आपके राष्ट्र, देश और राष्ट्र नहीं चल सकते हैं। इसलिए प्रेम की बहुत जरूरत है। जैसे खेतों में पानी की सिंचाई कमी होने से पेड़ पौधे सूख जाते हैं और खेत बंजर पड़ जाते हैं, ठीक ऐसे ही परिवार में प्रेम के अभाव होने से परिवार भी बंजर पड़ जाता है, बंजर पड़ जाता है। जिस जिस परिवार भी प्रेम भी कैसे सूखता है, मैंने प्रेम को सूखते देखा है, प्रेम को सिंचते देखा है। और जो प्रेम को सिंचते हैं उनका परिवार हरा भरा होता है, और जो प्रेम को नहीं सिंचते हैं उनका परिवार भी बंजर हो जाता है। जब शादियां होती है तो शादी होने के बाद पति और पत्नी में लंबी लंबी चर्चाएं होती है। वही शादी होने के 4 साल 6 साल बाद में चर्चाएं कम होना शुरू होती है। 8-10 साल बाद तो इतनी कम हो जाती है, एक वाक्य का एक ही उत्तर, हंसी मुस्कुराना बंद, आपस में चर्चाएं बंद, पति पत्नी में वार्ता बंद, प्रेम सूख रहा है, प्रेम सूख रहा है। आपस में भाई और भाई में वार्ताएं नहीं होती है, प्रेम सूख रहा है। पति और पत्नी में वार्ता नहीं है, प्रेम सूख रहा है। पिता और पुत्र में वार्ता नहीं है, प्रेम सूख रहा है। देरान और जेठान में वार्ता नहीं है, प्रेम सूख रहा है। आप किस भगवान को मानते हैं, आप किस रसरा, लेकिन कहीं पर भी प्रेम की कमी होगी तो कोई भगवान माफ नहीं करेंगे, कोई भगवान माफ नहीं करेंगे। प्रेम को आपको सींचना होगा। कभी कभी आपकी गलतियां नहीं है, आपकी सासू माँ आपको डांट देती है, तब भी आपको जाकर के प्रेम से बात करना होगा। आपकी गलतियां नहीं है पर भी उनका अधिकार है। उन्होंने अपनी जीवन की सारी कमाई को अपनी शक्ति लगाया, एक एक रुपया इकट्ठा किया और आपके आते ही आपको सौंप देती है, घर की मुखिया बना देती है। क्या कभी दो बातें नहीं बोल सकती आपसे?
क्या इतना अधिकार नहीं है आपकी माँ को, आपकी सासू माँ को दो बातें आपको बोले और आप छोटी सी बातों में गाल फुला दिए, घर को बंजर बना दिए, घर सूख गया, घर का आपस का प्रेम सूख गया, तो फिर माहौल आनंद ही कहाँ आएगा जीने में? क्या उस घर के बच्चे संस्कारी हो पाएंगे? जिस घर में पति और पत्नी में लड़ाइयाँ होती है, जिस घर में सास और बहू में लड़ाइयाँ होती है, जिस घर में देरान और जेठान में लड़ाइयाँ होती है, यही सतगुरु कबीर का एक प्रेम। प्रेम पर सतगुरु कबीर साहब बहुत बोले हैं, प्रेम गली अति साकरी जामे दोन समाए, प्रेम और अहंकार हो ही नहीं सकता है। आप आपस में प्रेम से जीना चाहते हैं तो अहंकार को मारना होगा। आप बच्चों का भविष्य चाहते हैं तो प्रेम से उसका विकास करना होगा। हर माँ बाप की एक शिकायत होती है कि बच्चे हमारा कहाँ नहीं मानते। विडंबना होती है कि आप अपने जीवन की, लोग कहते हैं, हमारे पास कई लोग आते हैं कहते हैं, महाराज जी मैं अपने जीवन का एक पाई जोड़ा और मैंने हजारों से लाखों बनाया, एक मंजिला से चार मंजिला बना दिया, 4 एकड़ से 6 एकड़ जमीन कर दिया और मैं अपने सब कुछ संपत्ति अपने बच्चे के लिए लगा दिया, लेकिन मेरे बच्चे कहाँ नहीं मानते। मैं आपसे प्रश्न करूँ, क्या आप उस योग्य हैं? आप कहते होंगे कैसी बात करते हैं? आप मात्र बच्चे को अपनी पूरी संपत्ति दे दे, इतने मात्र से बच्चे आपका कहां मान जाए? इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। पैसा तो लोग ऐसे ही कमा लेते हैं, पैसा तो लोग मार्केटों में जाकर के कमा लेते हैं, पैसा तो लोग गलत धंधा से कमा लेते हैं और गलत धंधा से कमा करके किसी को बाप कह देंगे क्या? आप अपने अंदर इतनी योग्यता पैदा करिए, इतनी योग्यता पैदा करिए कि आपके बच्चे आपके चरणों में झुक सके। आपके अंदर इतना योग्यता पैदा करिए, आपके पास पितृत्व भाव बढ़ना चाहिए। आप माँ हैं, माँ होती है तो आपके पास मातृत्व भाव पैदा होना चाहिए, तब आप माँ हैं। मात्र बच्चे को स्तनपान करा देना, पढ़ा देना, लिखा देना, इतने मात्र से कोई माँ नहीं बन जाती है। माँ बनने के लिए विशाल हृदय चाहिए, जैसे मैं बताया महंत बनने के लिए बहुत बड़ी योग्यता चाहिए, वैसे ही माँ बनने के लिए बहुत बड़ी योग्यता चाहिए, तब कहीं बच्चे आपके कहाँ मानेंगे। आप बच्चे को सिखाते हैं पैसा कैसे कमाना है, बच्चे को सिखाते हैं, बच्चे पैसा कमाते हैं। आपका 6 एकड़ का 10 एकड़ करने की ताकत रखते हैं बच्चे। आपका सिंगल मंजिल उसको डबल मंजिल बनाने की ताकत रखते हैं बच्चे, क्योंकि आप वो चीज सिखाते हैं। गाड़ी चलाना सिखाते हैं बच्चे, गाड़ी चलाते हैं। मकान बनाना सिखाते हैं बच्चे को, मकान बनाते हैं। क्या कभी आपने जीवन जीना भी सिखाया है बच्चों को? क्या कभी बैठकर आपस में सारी चर्चाएं होती है आपके घरों में, मकान कैसे बनाना है, गाड़ी कैसे खरीदना है, खेत खलिहान कैसे खरीदना है, पढ़ाई कैसे करना है, नौकरी कैसे करना है, पैसा कैसे कमाना है? विडंबना ये लगती है, बच्चे पैदा होते हैं उनको पढ़ाया जाता है और ये उद्देश्य टारगेट किया जाता है कि मेरे बच्चे खूब पैसा कमाए। बदौलत आपके बच्चे पैसा कमाते हैं, नहीं कमाते हैं नहीं, आपने उनके अंदर वो शक्ति भरते कि बच्चे पैसा कमाए या न कमाए, उनके अंदर इंसानियत टपकनी चाहिए, उनके अंदर बड़े बड़े आदर और भाव और सम्मान टपकनी चाहिए, उनके अंदर झुकने का साहस होनी चाहिए। ये चीज आप सिखाते तो बच्चे आपका कहां मानते? बच्चे इतने मात्र से आपका कहा इसलिए नहीं मानेंगे। बच्चे आपके घर में ही रहते हैं, आप आपस में पति और पत्नी में लड़ते हैं, क्या बच्चे आपको सम्मान दे पाएंगे? बच्चे घर में हैं, देरान और जेठान में ऐसा लग रहा है महाभारत का तांडव चल रहा है घर में, कैसे बच्चे आपका कहा मान जाएंगे? एक एक योग्यता आपके अंदर आना चाहिए, तब कहीं बच्चे आपका कहा मानेंगे। हर माँ बाप की शिकायत होती है कि बच्चे कहा नहीं मानते हैं। क्या बच्चों को कभी वो चीज सिखलाए हैं आप? कभी बच्चों को आश्रमों में ले गए, कभी बच्चों को अनाथ आश्रम में ले गए, कभी बच्चों को वृद्ध आश्रम में ले गए जहाँ सेवा श्रद्धाएं और साधना करने सिखाया है? कभी बच्चों को चरणों में झुकना सिखाए हैं? हर रोज हम खुद अपने माँ बाप का चरण स्पर्श नहीं कर पाते हैं तो बच्चे से कैसे आशा रखते हैं कि बच्चे हमारा चरण स्पर्श करे? जब बुढ़ापे की स्थिति होती है, बुढ़ापे की स्थिति में शरीर जर्जर हो जाता है और जर्जर शरीर में माँ बाप को पैसा नहीं चाहिए, मकान नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, मोबाइल नहीं चाहिए, जब जब आप घर से बाहर से घर प्रवेश करते हैं, तब 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 आप माँ के पास, पिता के पास जा करके दो बातें कर लेते हैं, माँ और पिता का सीना चौड़ा हो जाता है, आज भी मेरे बेटे मेरे अनुकूल है। क्या आप करते हैं?
और आप नहीं करते हैं तो आप मत सोचिए कि मेरे बच्चे मेरे बुढ़ापे में सांसी हो। आपने अपने बुढ़ापे के लिए बैंक बैलेंस किए होंगे, हो सकता है वो बैंक बैलेंस आपका साथ दे या ना दे, लेकिन बच्चे आपका एक ऐसा सेविंग अकाउंट है। यदि उनके अंदर सही संस्कार इंक्लूड करेंगे, सही संस्कार भरेंगे, वो बच्चे का वो सेविंग अकाउंट आपके भविष्य में अच्छा काम आएगा, ये निश्चित जाने जाएंगे। वो बच्चे आपकी सेवा करेंगे। यदि आपके बैंक में बैलेंस भी नहीं है और बच्चे के अंदर ऐसा संस्कार इकट्ठा किया, इसमें मैं कहा करता हूँ बच्चों को संस्कार, बच्चों को उपहार मत दो चलेगा, लेकिन बच्चों को संस्कार मत दो तो अपना भी जीवन रौंद डालेगा और खुद रोएगा और आपको भी रुलाएगा। इसलिए बच्चों को संस्कार दीजिए। कभी अनाथ आश्रमों में ले जाइए, दिखाइए कैसे लोग जीते हैं जिसके माँ बाप नहीं है। सौभाग्यशाली है वो माँ बाप है जिनको माँ बाप की सेवा करना चाहिए। आज सौभाग्य मिला है हमको माँ बाप की सेवा करने की। लोग कह सकते हैं आप लोग तो नहीं करते माँ बाप की सेवा। मैं कहता हूँ हम एक माँ बाप को छोड़ करके हजारों माँ बाप की सेवा, और माँ बाप को छोड़े नहीं है। आज भी उस माँ बाप को जरूरत पड़ी तो हम तैयार हैं। हमारे सभी संत कहते हैं आज भी उस माँ बाप की जरूरत पड़ी तो उस माँ बाप को हम सब सेवा करने के लिए तैयार है। वो माँ बाप खुश नसीब होते हैं जिनके बेटे समाज की सेवा करते हैं। महात्मा विवेकानंद जी कहा करते थे यदि समाज की सेवा करना हो तो शादी कभी मत करना, समाज की सेवा करना हो तो आज भी हम सब तैयार हैं। इसलिए आप सौभाग्यशाली हैं जिसके माँ बाप हैं। उन लोगों को पूछो जिनके माँ बाप नहीं हो, तरसते हैं माँ बाप के लिए, गिड़गिड़ाते हैं। मैं कैसा दुर्भाग्यशाली हूँ कि मेरे माँ बाप नहीं हैं। जिनके माँ बाप होते हैं उनके साया होती है, उनके साथ वो चलते हैं, उनके हर कदम पर कदम माँ बाप मिलाते हैं, उनकी गलतियों पर माँ बाप टोकते हैं, और जिनके माँ बाप है वो माँ बाप का तिरस्कार करते हैं, माँ बाप का तिरस्कार करते हैं। जब बुढ़ापे की अवस्था होती है तो आप भगवान की पूजा करते हैं। अभी चर्चा चल रही थी, मैं भगवान का विरोध ही नहीं, लेकिन मैं असली भगवान से पहले मुलाकात करा दूंगा, असली भगवान से पहले मुलाकात करा दूंगा। हमारे यहाँ जितने भी भगवान हैं सभी भगवान आदरणीय हैं, सभी का आप पूजा करिए, जिसको मानते हैं पूजा करिए, मैं विरोध नहीं करता। एक आदमी ताश खेलता है, एक आदमी चरस पीता है, शराब पीता है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, बकवास करता है, उनसे बहुत बेस्ट और बेटर है वो व्यक्ति जो कम से कम भगवान की पूजा करता है। लेकिन मैं आपको सही बताऊं, उन भगवान की पूजा करिए, लेकिन उससे ज्यादा उत्तम भगवान असली भगवान से आप मुलाकात कर लीजिए। जब आप जन्म लिए इस दुनिया में तो आपको सबसे पहली मुलाकात किससे हुई थी? वही आपके असली माँ बाप ही असली भगवान है, वही असली माँ बाप आपके असली भगवान है। माँ बाप अपने बच्चे को लूले और अपंग बनाते हैं। मेरी बातों में बहुत सारी कड़वाहट भी आई, लेकिन आप उस पर विचार करिएगा। एक जगह एक बच्चा अपने माँ को देखता था कि रोज माँ पूजा करती है भगवान के, लाख घंटों घंटों बैठ करके पूजा करती है, और माँ से वो बच्चा पूछ पड़ा है कि माँ आप किसकी पूजा करते हो? कहे भगवान की पूजा करता हूँ, करती हूँ। इतना में बच्चे पूछते हैं, आज के बच्चे टैलेंट होते हैं, एक प्रश्न खत्म नहीं होता है दूसरा प्रश्न जड़ देते हैं, पूछते हैं भगवान की पूजा करने से क्या होता है। आपको बताना चाहिए सही बातें। भगवान की पूजा करने से मन में एक श्रद्धा बनता है, एक भाव बनता है, झुकने के साहस मिलता है, हमको चलने का साहस मिलता है। वो सही ज्ञान देना चाहिए था, माँ ने उनको गलत ज्ञान दे दिया। उन्होंने माँ ने कहा भगवान भगवान है बेटा, जो मांगो भगवान से वो मिलता है और जो चाहो वो हो जाता है। उन्होंने गलत उत्तर दे दिया। एक दिन बच्चा स्कूल से आता है, रोज स्कूल से आने के बाद माँ के पास जाता था और भोजन मांगता था, लेकिन वो बच्चा उस दिन माँ के पास नहीं आया। जैसे ही दौड़ करके आया, अपना बिस्तर रख, अपना पुस्तक कापी अपने कमरे में रखा बिस्तर पे, और दौड़ करके भगवान के कक्ष में चला गया जहाँ भगवान बिठाया था, और वहां जा करके भगवान के पास पूजा और अर्चना करना शुरू कर दिया। इतना में दौड़ करके उनकी मम्मी दौड़ करके जाती है, बेटा तुम रोज मेरे पास आते थे भोजन के लिए, आज क्या हो गया तुम मेरे पास नहीं आकर के भगवान के पास बैठे हो, ऐसी बात क्या है? इतना में बच्चा फिर से पूछता है, माँ भगवान से जो मांगो वही तो हो जाता है ना? माँ इतना में फिर से उत्तर देती है, हाँ बेटा भगवान से जो मांगो वही मिलता है। बच्चा कहता है, माँ
मेरे क्वेश्चंस में एक प्रश्न पेपर में क्वेश्चंस आया था कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो मैंने भारत की राजधानी नागपुर डाल दिया है और गलती बाहर निकला तो मुझे पता चला कि उत्तर गलत है, भारत की राजधानी दिल्ली होना चाहिए था, मैंने गलत उत्तर डाल दिया है। भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि उस वाक्य को मेट करके भारत की राजधानी दिल्ली लिख दे। माँ कहती बेटा ये नहीं हो सकता, फिर माँ उस माँ के प्रति आस्था, उस भगवान के प्रति आस्था घट जाती है, आस्था घट जाती है। इसलिए आप सही भगवान का परिचय कराइए, आपके घर में भगवान की पूजा होती है तो पूजा करिए, लेकिन सर्वप्रथम आपके इस परिवार में कितने वृद्ध माँ बाप होंगे, उनकी कितने लोग आरती उतारते हैं, कम से कम फेस्टिवल में त्योहार में कम से कम त्योहार में नया वर्ष में कम से कम इतना तो पूजा कर लिया करे, जितना भाव से गणेश भगवान की, दुर्गा माता की, काली माता की जितना भाव से आप पूजा करते हैं, साक्षात देवी देवता की यदि पूजा कर लेते तो आपका जीवन आज स्वर्ग बन गया होता, आपके जीवन में आज निहाल ही निहाल होता। उस असली देवी देवता की पहले पूजा करिए, मैं पूजा मत करिए नहीं कह रहा हूँ, जिन्होंने नौ माह अपने कोख में रखा, जिन्होंने अपने खुद गीले में सोई और हमको सूखे में सिलाया सुलाया, जो खुद अन्न खाती थी, भूसे चने रोटी को खा लेते थे, लेकिन हमको अच्छे चीज ही खिलाती थी, उस माँ बाप की पहले पूजा होना चाहिए, हर घर में उस माँ बाप की पूजा होना चाहिए। उसके बाद आप जिस देवी देवता को मानते हैं उस भगवान की पूजा करिए, मैं इसको विरोध नहीं करता हूँ। लोग कहते हैं कबीर पंथी कुछ नहीं मानते, अभी साहेब जी कह रहे थे, मेरा एक प्रश्न है, क्या कबीर पंथी कुछ नहीं मानते? मैंने कहा कबीर पंथी कौन, पहला प्रश्न का मैंने उत्तर दे ही दिया है, कबीर का मतलब महान और पंथ का मतलब रास्ता, कोई भी हो इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कोई भी हो जो अच्छे रास्ता पर चलता है, सही मार्ग पर चलता है, हर व्यक्ति कबीर पंथी है, हर व्यक्ति कबीर पंथी है। कबीर पंथी कुछ नहीं मानते, मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, क्या कबीर पंथी पानी को पानी, मिट्टी को मिट्टी, हवा को हवा, आकाश को आकाश, पंडाल को पंडाल, माइक को माइक, माँ को माँ, पिता को पिता, पुत्र को पुत्र, गाड़ी को गाड़ी, मोबाइल को मोबाइल, टॉयलेट को टॉयलेट, भोजन को भोजन नहीं मानते? क्या नहीं मानते कबीर पंथी? इस प्रश्न का उत्तर शायद किसी के पास नहीं होगा, क्या नहीं मानते कबीर पंथी? लोग कहते हैं भगवान नहीं मानते कबीर पंथी, मैं समझता हूँ कबीर पंथी असली भगवान को मानते हैं, असली भगवान को मानते हैं। हमारे सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी गुरुदेव जी, लोग कहते हैं कबीर पंथी कुछ नहीं मानते, गुरुदेव जी ने सभी महापुरुषों पर लिखा, बुद्ध, महावीर, ईसा, मोहम्मद, राम, कृष्ण, लालचे, कंफ्यूशियस, दादू साहेब, नाना साहेब, धर्म साहेब, सभी महापुरुषों पर उन्होंने लिखा, मीरा मीराबाई, सभी महापुरुषों पर लिखा, मैं कैसे कह दूं कि कबीर पंथी कुछ नहीं मानते? कोई आदमी मिट्टी को भगवान कह दे तो कबीर पंथी मान ले? यदि वो नहीं मानती है तो उसको मनवाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। असली भगवान को जब मानने को तैयार है तो लोगों को ये कहने का अधिकार भी नहीं है कि कबीर पंथी कुछ नहीं मानते। आए अपनी बातों पर आए, बच्चों को संस्कार, आप उसके जीवन के भावी जीवन के जिम्मेदार होते हैं। जैसे कुम्हार कच्चा घड़ा बनाता है, घड़ा का निर्माण करता है तो अंदर सहारा देता है और बाहर से ठोकता है, वैसे ही बच्चे के निर्माण में आप उनके जिम्मेदार होते हैं। एक दिल्ली में एक घटना है, दिल्ली में एक लड़का रोड पर गया और रोड पर गया इंडिया गेट के पास, वो खेला कूदा आया, ठीक शाम को 8 बजे उनके घर में पुलिस आया और पुलिस आकर के एक फोटो दिखाता है और उनके पिता से पूछता है, क्या आप इस लड़के को जानते हैं? उनका पिता कहता है, हाँ जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ, मेरा ही लड़का है। उन्होंने कहा पुलिस ने, आपका बेटा इंडिया गेट के पास कुछ बच्चों के साथ छेड़खानी का काम किया है, इसलिए उसे हम गिरफ्तार करने आए हैं। उनका पिता कमरे में जाता है और कमरे में जाकर के पूछता है, क्या तुम आज इंडिया गेट के पास गए थे? वो बच्चा बोलता है, हाँ गया था पापा। क्या तुम किसी के साथ कुछ बदमाशी किए हो? उनका बच्चा चुप हो जाता है, पिता जान जाता है और वो पिता बाहर आता है और पुलिस से कहता है, हाँ मेरा ही बेटा है, आप ले जा सकते हैं बच्चे को।
उनके बच्चे को ले जाता है और ले जाते समय उनका पिता एक पुलिस को बुलाता है और उनको कहते हैं आप 1 मिनट आएंगे और अपने घर में बुलाता है, उनको 5,000 रुपया देता है। आप सोच रहे होंगे क्यों दिया होगा, बच्चे को छोड़ दे। नहीं, वो कहता है इस बच्चे की ऐसी मरम्मत करना, ऐसा सीख सिखलाना कि बच्चे दोबारा उनका नजर न उठे गलत कर्मों करने के लिए, उनके कर्म उनके हाथे आगे ना बढ़े, उनके पैर आगे ना चले, ऐसा उनको सीख देना। 5,000 रुपया देता है और हम होते तो क्या करते, उसी पर 1 जीरो और बढ़ा देते, कहते बच्चे को छोड़ दो, आपसे क्षमा चाहता हूं। हम होते तो यही करते। आप अपने जीवन के जिम्मेदार हैं। जीवन का पाठ कैसे है, जीवन का पाठ ये है, हम जो दूसरों के साथ बोते हैं अपने जीवन में काटते हैं। हम फिर से सुन लीजिए, आप जो दूसरों के साथ, हम जो दूसरों के साथ बोते हैं अपने जीवन में काटते हैं। दूसरों के साथ सम्मान का बीज बोते हैं तो अपने जीवन में सब सम्मान का फसल काटते हैं। प्रेम का, धैर्य का, क्षमा का, विश्वास का बीज बोते हैं तो अपने जीवन में हम प्रेम का, क्षमा का, धैर्य का फसल काटते हैं। बोते दूसरों के साथ है, काटते हैं अपने जीवन में। हम क्या बोते हैं दूसरों के साथ, घृणा का भाव या वैर का भाव, प्रेम का भाव या सम्मान का भाव। जीवन हमारा है, हमारे जीवन को नैया पार लगाने वाले संत गुरुजन हमको रास्ता बता दिए, लेकिन पार खुद को लगाना होगा, खुद को तैरना होगा, तब हम भावनाओं नैया से पार हो सकते हैं, अन्यथा हम अपने जीवन का निर्माण कभी नहीं कर पाएंगे। हम कितना ही भगवान और भगवती की पूजा कर ले, कितना ही कबीर साहेब की पूजा कर ले, कितना ही जिस मत पंथ को मानते हैं उसकी पूजा कर ले, लेकिन हमारे समस्या का समाधान हमको खुद को करना होगा, खुद को समझदारी से काम लेना होगा और हमारे जीवन का निर्माण हमको खुद करना होगा। हमारे जीवन का निर्माण करने के लिए न बुद्ध आएंगे, न सदगुरु कबीर आएंगे, न ईसा आएंगे, न मोहम्मद आएंगे, न राम आएंगे, न कृष्ण आएंगे, न मोदी जी आएंगे। अपने जीवन का नैया हमको खुद को पार करना होगा, खुद को। इसलिए हम जितना समय में हम अपना विकास कर सकते हैं करिए। हमारा समय और शक्ति वही है, समय और शक्ति वही है। जितना समय में हम गालियां देते हैं उतना ही समय में हम प्रशंसा कर सकते हैं। जितना समय में हम गालियां और निंदा और चुगली करते हैं उतना ही समय है, उतना ही समय में हम किसी का प्रशंसा कर सकते हैं, किसी का सम्मान कर सकते हैं। रिजल्ट एकदम विपरीत आएगा, रिजल्ट एकदम विपरीत आएगा। अगर गाली देते हैं उसका रिजल्ट गाली आएगा, और किसी की प्रशंसा करते हैं उनका रिजल्ट सम्मान आएगा। हम चाहते क्या है, अपने हाथों में हम क्या चाहते हैं। इसलिए हम सही मार्ग पर चले, धर्म के मार्ग पर चले और अपने जीवन में मोक्ष के अधिकारी बने। मोक्ष के अधिकारी बने। मोक्ष के अधिकारी कौन, मोक्ष किसको मिल सकता है। कुछ मत पंथ और परंपराएं में पता चलता है कि मोक्ष का अधिकारी सिर्फ वही हो सकता है, और मैं कहता हूं यहां बैठे हजारों और दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों जनसंख्या है, पूरे विश्व ब्रह्मांड के सभी लोग मोक्ष के अधिकारी है, जो सही मत और पंथ और मार्ग पर चले सभी लोग मोक्ष के अधिकारी। मोक्ष का अर्थ क्या होता है, मोक्ष मतलब होता है मन का क्षय, मोह का क्षय हो जाना मोक्ष। ये मोक्ष का और सरल अर्थ बताऊं मैं, जैसे कोई आदमी मृत्यु को करीब हो, मौत और मोक्ष सुन लीजिए, मौत वो है श्वास खत्म इच्छा बाकी, ये मौत की परिभाषा है, श्वास खत्म और इच्छा बाकी, ये मौत की परिभाषा है। फिर से सुने आप, श्वास खत्म हो गई और इच्छा बाकी है, मतलब ये मौत की परिभाषा है। और इसी को आप उलट देते हैं, श्वास बाकी इच्छा खत्म, ये मोक्ष की परिभाषा है। शब्द कितना छोटा है, इसको जीने में पूरा जीवन बीत जाता है। शब्द कितना छोटा है, जीने में पूरा जीवन बीत जाता है, और हम मोक्ष की परिभाषा तो जान जाते हैं लेकिन जी नहीं पाते हैं। मोक्ष साधारण कोई फल नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है, क्यों बांटता चले। आज बांटने वाले हैं मोक्ष बांटने वाले, मैं उन धर्म गुरुओं से मैं प्रार्थना करता हूँ मोक्ष बांटते मत फिरे। मोक्ष कोई पदार्थ नहीं है, मोक्ष कोई वस्तु नहीं है, कोई बांट दे किसी को मिल जाए। कर्म के बदलने से जीवन में जीवन का निर्माण होता है, कपड़े से जीवन, मैं साधु को वस्त्र पहन लिया मोक्ष हो जाए, संभव नहीं है, मेरे लिए भी नहीं है ये। कपड़े से मुक्ति नहीं मिलती है,
मुक्ति मन की पवित्रता से मिलती है। पीछे सतगुरु कबीर साहब की साखी है, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, जागो मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जिस समय सतगुरु कबीर साहब हुए थे उस समय भी गंगा जी की प्रसिद्धि रही है, क्योंकि उस समय गंगा जी सतगुरु कबीर साहब काशी वाराणसी के आसपास बहुत रहे हैं, उनका जीवन ज्यादा वहीं कटा है। और लोगों के भ्रम और मान्यताएं को दूर करने के लिए अंतिम अवस्था में लोग कहते थे कि मगहर में मरने से गदहा होता है, उस भ्रम और मान्यताओं को तोड़ने के लिए 119 साल की जर्जर अवस्था में सतगुरु कबीर साहब मगहर गए थे, चलते चलते धीरे धीरे मान्यता को तोड़ने के लिए। अद्वितीय सतगुरु कबीर साहब, सतगुरु कबीर साहब जिस समय हुए उस समय ज्यादा करके सतगुरु कबीर साहब काशी बनारस के आसपास ज्यादा रहे हैं, उस समय भी गंगा जी की प्रसिद्धि रही है और लोग गंगा जी की पूजा और अर्चना करते थे श्रद्धा और भाव के साथ, श्रद्धा और भाव के साथ। आज भी आप यहाँ से हरिद्वार चले जाएंगे तो हरिद्वार में गंगा की पानी इतना पवित्र इतना साफ है, एक सिक्का फेंकेंगे वो भी साफ साफ दिखाई देता है। लेकिन करीब करीब मैं 15 साल इलाहाबाद में रहा, हमारी सभी संत इलाहाबाद में रहे, 15 साल में मैंने देखा गंगा जी की पानी हरिद्वार का तो इतना साफ है, सिक्का फेंको तो भी दिखाई देता है, लेकिन इलाहाबाद का पानी बहुत ही ज्यादा गंदा है और पवित्र है। इसलिए मैं उस पानी को पवित्र नहीं मानता हूँ। भाव पवित्र होना चाहिए, भाव पवित्र होने से मन पर पवित्र होता है। मात्र गंगा के स्नान करने से मुक्ति नहीं मिलती है, इसलिए गंगा लिखा है वहां जाते ही गंगा जा दर्शनात मुक्ति, गंगा जी के दर्शन करने मात्र से मुक्ति। एक लोगों से पूछा मैं कि आपने ऐसा क्यों लिखा, अच्छे व्यक्ति थे और गंगा जी में वो काम करते थे, क्योंकि जब मुख्य स्नान के दिन करीब 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 मुख्य स्नान के दिन हर साल वहाँ 3 करोड़ लोग होते हैं, 3 करोड़, 3 करोड़ छोटा जनसंख्या नहीं है, लोगों को भीड़ से बचाने के लिए लोग लिखते थे कि गंगा चा दर्शनात मुक्ति, लोगों के भ्रम और मान्यताएं को खत्म करने के लिए गंगा जी के मानने वाले ही ने उन लोगों ने ये चीज लिखाया, ताकि भगदड़ मत मचे, लोग भगदड़ से बचे। और गंगा जी के जाने से किसी को मुक्ति मिलती है नहीं मिलती है तो नहीं जानता, लेकिन हजारों लोगों के जेब कट जाते हैं ये तो जरूर जानता हूं मैं। वहां मैं कह रहा था कि सतगुरु कबीर साहब जिस समय हुए उस समय काशी बनारस का पानी भी एकदम साफ और पवित्र था। अब गंगा जी की परिस्थिति क्या है मैं बताता हूँ। आप जैसे ही कानपुर से गंगा जी निकलती है तो कानपुर से निकलने के बाद में कानपुर के सारे चमड़े मिल के पानी गंगा में प्रवेश करती है। वहां से आते आते इलाहाबाद, इलाहाबाद पानी बड़ी आबादी है और पूरा इलाहाबाद का सीवर लाइन का पानी, पूरा का पूरा सीवर लाइन का, मेरा साक्षात प्रणाम इसको देखा हूँ तब कह रहा हूँ, ये बनाए बात नहीं है। हमारे आश्रम से 1 किलोमीटर बगल में इतना बड़ा मोटा पाइप सीवर लाइन का पानी गंगा में जाता है और वो सीवर लाइन का पानी उसको साफ कर दिया जाता है, सिर्फ कचड़े साफ किया जा सकता है, उसको और ज्यादा साफ नहीं किया जाता है, कचड़े को साफ करके पानी को उसमें डाला जाता है। इसलिए अब गंगा का पानी साफ नहीं रह गया है, लेकिन मन पवित्र होना चाहिए। सतगुरु कबीर साहब का कहने का इतना ही अर्थ है, जाको मन निर्मल भया, जैसे गंगा का पानी पवित्र है निर्मल है वैसे ही मन को निर्मल बना ले, जैसे गंगा नीर। फिर सतगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, किसी हरि और परमात्मा के पीछे पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है, हरि और परमात्मा आपके पीछे पीछे चलते हैं, आपके पीछे पीछे चलते हैं। सतगुरु कबीर साहब का ज्ञान इतना साफ ज्ञान, सतगुरु कबीर साहब ये नहीं कहे कि मेरी पूजा करो, मेरे को मानो, मेरे मत और पंथ और संप्रदाय को मानो तब मुक्ति मिलेगी। सतगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, जाको मन निर्मल, इतना साफ अक्षर में कह देते हैं, साफ शब्दों में कह देते हैं, इतने कम शब्दों में, जैसे गंगा नीर पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। क्या जिसका मन निर्मल होगा वो भाई और भाई के साथ छल और कपट करेगा, क्या जिसका मन निर्मल होगा वो देरान और जेठान में लड़ाइयां होंगी, क्या जिसका मन होगा वो समाज के साथ अन्याय करेगा। आज भी धर्म गुरु बने बैठे हैं लोग, और हमारे साहेब जी कहते हैं गुरु नहीं गुरुवा लोग है कुछ इस दुनिया में, आज जेल के सलाखों में सड़ रहे हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा कर्म हम न करें कि जेल के सलाखों के पीछे हमारा जीवन कटता चला जाए। इसलिए आज अवसर मिला है जीवन का, आज निर्माण कर ले, आज अवसर मिला है, आज सुंदर तन मिला है, आज सुंदर जीवन मिला है, आज सुंदर परिवार मिला है, आज सुंदर समाज मिला है, और सुंदर सतगुरु कबीर का एक ऐसा द्वितीय विचार मिला है जहाँ भ्रम मान्यताएं और कर्मकांड और पाखंड नहीं है, जिसमें पढ़ करके हर व्यक्ति अपना कल्याण कर सकता है।
हमारा भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पर लोग झुकने को तैयार होते हैं। और एक भारत, मुझे बात आती है जब ये बात कहता हूँ तो, भारत देश को धर्म प्रधान देश इसलिए कहा गया भगवान बुद्ध के वजह से। भगवान बुद्ध की वजह से ही भारत देश को धर्म प्रधान देश कहा गया और भगवान बुद्ध की वजह से ही पूरा विश्व भारत के सामने झुकने के लिए तैयार होगा। लेकिन एक बात विडंबना है, कड़वी है, लेकिन कह देता हूँ। जब भगवान बुद्ध हुए थे तो बुद्ध के साथ में हजारों भिक्षु चलते थे, उनके साथ में हजारों भिक्षुओं की एक जमात होती थी जहां पूरा गांव बस जाता था, ऐसा भिक्षु उनके साथ में चलते थे और उनके साथ में ध्यान साधना वैराग्य की एक तपोनिष्ठ भगवान बुद्ध हुए थे। उन्होंने तप करके देखा, साधना करके देखा, सब कुछ किया और अंतिम में भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग अपनाया जिसमें शरीर को तपाया नहीं है, कर्म कांड नहीं, पाखंड नहीं, सब कुछ करके देखिए भगवान बुद्ध ने नहीं किया, ऐसे नहीं। भगवान बुद्ध कर्म कांड भी किए, भगवान बुद्ध पाखंड का काम करने वालों को भी देखे, शरीर को भी तपा करके देखे, लेकिन भगवान बुद्ध को उनसे बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं हुई। तब भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग अपनाया और मध्यम मार्ग अपनाया और सभी लोगों को ज्ञान बांटते चले गए। लेकिन भगवान बुद्ध के जाने के बाद, भगवान बुद्ध के जो अनुयायी थे, भगवान बुद्ध के अनुयायी राजाओं से, महाराजाओं से, सेठों से बड़े पैसा लेना और भगवान बुद्ध की हजारों हजारों सौ सौ डेढ़ डेढ़ सौ दो दो सौ फीट कुछ मूर्तियां बनाना शुरू कर दी। ये हकीकत है, ये मैं बनावट की बात नहीं कह रहा हूं। मैं बहुत ज्यादा ऊंची ऊंची मूर्तियां बनाना शुरू कर दिए और पैसा को पूरा उसमें दोहन करना शुरू कर दिए और खान पान में पवित्रता खत्म हो गई, खान पान में पवित्रता खत्म हो गई, भगवान बुद्ध की बुद्धत्व खत्म हो गया, भगवान बुद्ध की साधना खत्म हो गई, सब कुछ चौपट हो गया, सिर्फ मूर्तियां बनाना, राजाओं से महाराजाओं से पैसा ऐंठना और भगवान बुद्ध की परंपरा ऐसा चलता रहा। जब लोगों के दिमाग में आया कि अब बौद्ध दुष्टों के पास में साधना ध्यान स्वस्थाय सेवा कुछ नहीं रह गया है, सिर्फ गलत ढंग से पैसा ऐंठना और खान पान की भी पवित्रता नहीं, तो धीरे धीरे बौद्ध दुष्ट घटते गए। आज हमारी भारत में बौद्धिष्ट एकदम नहीं के मात्रा में है, नहीं के मात्रा में। ठीक ऐसे ही अन्य अनुयायी नखरे अपने गुरु और महंत और अपने परंपरा के नाम पर, अपने सदगुरु के नाम पर लोग ऐसा न करे, नहीं तो आज यदि सदगुरु कबीर साहब आ जाए और हमारा हमारी स्थिति देखे और हम कहीं कर्मकांड में उलझे हों, पाखंड में उलझे हों, तो सदगुरु कबीर कहेंगे ये आदमी कबीर पंथी है कि अलग लोग है, कबीर साहब हमको नहीं छोड़ेंगे। जब हम अपने ही परिवार के साथ में अन्याय करना शुरू कर देते हैं, अपने ही समाज के लोगों के साथ में अन्याय करना शुरू कर देते हैं, अपने ही भाई बिरादर के साथ अन्याय शुरू कर देते हैं और द्वेष में जलते हैं, लड़ाई में जलते हैं, अपने आप में एक दूसरे में लड़ाई करते हैं, तो सदगुरु कबीर साहब क्या हमको कबीरपंथी कहेंगे? कहेंगे ये लोग कबीर मेरे अनुयायी नहीं है, ये लोग गलत लोग हैं, इसलिए हम सदगुरु कबीर साहब के अनुयायी है, उनके मत और पंथ और संप्रदाय को आगे बढ़ाए, उनका मत पंथ संप्रदाय जो भी उस मार्ग पर चलेंगे अपने को सही दिशा की ओर ले जाएंगे। उनका कहना है, उनका कहना है जो कोई भी अपने जीवन को तराशना चाहता है, जीवन का निर्माण करना चाहता है, वो अपने अहंकार को, अपने जीवन के द्वेष राग द्वेष को खत्म कर दे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जो घर जा रहे आप ना चलो मेरे साथ, जो अपने घर को जला दो और चलो मेरे साथ, यदि आप मेरे जैसे होना चाहते हो तो। घर को जलाने के मतलब क्या है? आपके यहाँ घर है, घर में आग लगा दे? नहीं, सदगुरु कबीर साहब ये नहीं कहते हैं। घर जलाना मतलब अंदर में जो अंधारा है, जो एक घर बना चुके हैं, ये मेरा ये तेरा ये इसका ये उसका, जो लड़ाइयां चलती है उसको जला करके राख कर दे, तब हम आप एक दूसरे का हो सकते हैं। जीवन बहुत बेशकीमती है और इस बेशकीमती जीवन का निर्माण कैसे करना है, आप अपने जीवन का निर्माता खुद है। हम कैसा जीवन चाहते हैं हमको निर्णय खुद लेना चाहिए, हमारे जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए,
सभी लोग बैठे हैं, सभी का जीवन का उद्देश्य होगा मुझे मकान बनाना है, मुझे नौकरी करना है, मुझे सब कुछ ऑफिस जाना है, ड्यूटी जाना है, खेत जाना है, खलिहान जाना है, जो कुछ भी करना है आपका ये जीवन का उद्देश्य है। आत्मीय बंधुओं, आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूँ, इन सारे उद्देश्य के बाद, इन सारे चैप्टर के बाद आपके जीवन में एक चैप्टर, एक विषय और होना चाहिए। अब मुझे अपने जीवन का निर्माण करना है, अब मुझे अपने जीवन का निर्माण करना है। मुझे चाहे जिस परिस्थिति पर भी हो, मुझे हर हाल में अपने चेहरे की प्रसन्नता, अपने मन की मुस्कुराहट, अपने मन की प्रसन्नता, चेहरे की मुस्कुराहट को बरकरार रखना है। वो लोग वास्तव में सतगुरु कबीर के अनुयायी। कितने लोग हैं जो ऐसा साहस करेंगे? आपस में इसलिए प्रेम की जरूरत है, आपस में भाई भाई में, देरान जेठान में, जिस घर में, परिवार में भाई भाई में दोपहर का भोजन एक साथ करते हो, भाई भाई गले मिलते हो, मानो उस घर में रोज होली का त्योहार है, और जिस घर में रात्रि के बाद सब समय से ऑफिस से, ड्यूटी से, खेत से, कल्याण से, नौकरियों से आने के बाद में भाई भाई, देरान जेठान आपस में पिता पुत्र एक साथ मिल करके दीप प्रज्वलित करते हो, माता पिता का चरण स्पर्श कर लिया जाता हो, गुरु वंदना कर लिया जाता हो, गुरुवाणियों का पाठ कर लिया जाता हो, गुरु ज्ञान चर्चा सुन लिया जाता हो, मानो उस घर में रोज दीपावली का त्योहार है। आप साल में मात्र एक दिन मनाते हैं, मैं कहता हूँ साल में आप पूरा 365 दिन मनाइए। आपके ऊपर है, आप क्या चाहते हैं? जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो खाली हाथ जाएंगे, नंगे बदन इस दुनिया में आए थे और नंगे बदन ही इस दुनिया से चले जाएंगे, सांस में कुछ नहीं जाता है। छोटी छोटी बात के लिए लड़ करके, झगड़ करके अपनी जिंदगी को चौपट मत करिए। अपने खान पान की पवित्रता इतना साफ सुथरा रखिए। आप जिस मत को पंथ को मानते हैं, माने किसी भी मत पंथ और संप्रदाय में यदि खान पान का छूट है, मतलब वो गलत मत पंथ और संप्रदाय है, मैं क्षमा चाहता हूँ इस बात के लिए, लेकिन सही बात है। यदि किसी भी मत पंथ और किसी कोई भी गुरु ये कहते हैं कि अंडा मांस मछली शराब चलेगा, कोई बात नहीं, तुम मेरे से दीक्षित हो जाओ, चलेगा, बिल्कुल गलत है, ये हो ही नहीं सकता, सही मार्ग हो ही नहीं सकता। आज के आयुर्वेदाचार्य कोई भी नहीं कहता है कि जीवन शरीर अंडा मांस मछली से बनता है। जब हम हमारे ही नाखून में एक छोटा सा चुभन हो जाए, अपने ही पैरों में एक छोटा सा कांटा गड़ जाए, तो कितना चुभन होती है और कितना बेरहमी से जानवरों की हत्या करते हैं, क्या निर्दयता नहीं है? क्या अंडा मांस मछली से शरीर बनेगा? आप अपने ही उंगलियों को चाप करके, काट करके देखना कितना चुभन होती है, तब पता चलेगा। यदि जीव दया करिए, जीव की दया नहीं है उस घर में, आपके अंदर प्रेम हो ही नहीं सकता है। और खान पान की पवित्रता, आप किसी मतमन से मत जुड़े हो, चलेगा, लेकिन यदि आप अपने घर का निर्माण करना चाहते हैं, अपने समाज का निर्माण करना चाहते हैं, आप श्रेष्ठ माँ बाप और श्रेष्ठ दादी दादा बनना चाहते हैं, श्रेष्ठ माता पिता बनना चाहते हैं, तो आपका आचरण संपन्न, आचरण संपन्न हो, आपका बोलना संयमित हो, आपका देखना संयमित हो, आपका खाना संयमित हो, आपके ही बच्चे आपका अनुसरण करना शुरू कर दे, आप अपने अंदर इतनी योग्यता पैदा करिए कि आपके बच्चे फिर आपका कैसा नहीं मानेंगे, आप देखिएगा, फिर आपके बच्चे आपका कैसा नहीं मानेंगे, कहाँ कहाँ नहीं मानेंगे। आप अपने अंदर योग्यता तो पैदा करिए। यदि यहाँ कोई बैठे लोग यदि शराब पीते हैं, वो शराब बस नहीं पीते हैं, शराब बस नहीं पीते हैं, और बताओं से निवेदन है, जिसके पति शराब पीते हैं, जिसके पुत्र शराब पीते हैं, आप अपने बच्चे को, आप अपने पति को अपने अंकुश में रखिए। आपके हैं वो, आपको अपने अंकुश में रखना चाहिए अपने बच्चे को, अपने पति को। वो शराब बस नहीं पीते हैं, वो शराब बस नहीं पीते हैं, बल्कि वो अपने जीवन का पूरा बर्बाद करते हैं, और साथ साथ अपने बच्चे की जो उड़ान भरने की तमन्ना थी ना, अपने पत्नी की, अपने बच्चे की, अपने परिवार के लोगों के अंदर जो उड़ान भरने का साहस था, जो पंख लगे थे उन पंख को काट देते हैं, उड़ान भरने को जो साहस था, मैं पढ़ाई करूंगा, इंजीनियरिंग करूंगा, वकील बनूंगा, मास्टर बनूंगा, आईपीएस अफसर बनूंगा, आईएएस अफसर बनूंगा, इतनी सारी उड़ाने थी। जब जब आप शराब पी करके घर में प्रवेश करते हैं, तब तब उनकी उड़ान भरने की जो क्षमता है वो कट कट करके गिरते जाता है, कट कट करके गिरते जाता है। शराब पीने वाले को सम्मान कभी नहीं मिलता है। आपके आपके जब भी बच्चे आपके चरण स्पर्श करते हो, तो आप आशीर्वाद दे, तो आप एकदम जीवन में ऐसे मन की प्रसन्नता हो,
इधर से पान भी खा रहे हैं, इधर से जर्दा भी खाए जा रहे हैं, इधर से गुटखा भी खाए जा रहे हैं, इधर से मांस अंडा मछली खाए जा रहे हैं, और इधर से आशीर्वाद भी देते चले जा रहे हैं। कैसे आशीर्वाद देंगे आप अपने बच्चों को? आपका मन ही गंदा है, आपका वचन ही गंदा है, आपके मुख ही गंदे हैं, और उस गंदे मुख से कैसे आशीर्वाद देंगे आप अपने आप से पूछिए। मेरा प्रश्न नहीं है ये, आप अपने आप से पूछिए कि आप अपने तन मन और वचन को अपवित्र कर लिए हैं, और उसी अपवित्र मन से आप अपने बच्चे को आशीर्वाद देंगे, कौन सा आशीर्वाद लगेगा उन बच्चों को? आप महान व्यक्ति है, आपके पास योग्यता है, आप धन से गरीब हो सकते हैं, लेकिन मन से गरीब मत बनिए आप। धनी आदमी भी एक ही कमीज और एक ही पैंट पहनते हैं, धनी आदमी भी एक ही साड़ी पहनती है, और गरीब आदमी भी एक ही साड़ी पहनती है, वो भी इतना ही खाती है, और बड़े आदमी भी इतना ही खाती है। इसलिए कोई आदमी धन से छोटा और बड़ा हो जाए चलेगा, लेकिन आप मन से कभी गरीब मत बनिए। हर व्यक्ति अमीर है इस दुनिया में, हर व्यक्ति अमीर है, और सद्गुरु कबीर इसलिए कहते हैं कि हर व्यक्ति अपने जीवन के जिम्मेदार है। अपने कर्मों का निर्माण करिए आप, कर्म को सही दिशा में रखिए, सही दिशा में ले जाइए। यदि सही दिशा में आप नहीं जाते हैं तो आप अपने जीवन का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसलिए कर्मों का सही सुधार, कर्म कर्माई आपने निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। यदि आपके अभी क्षेत्र में अभी खेतों में कपास का फसल बोया गया है, और काटते समय सौभाग्य कहूं या दुर्भाग्य कहूं, काटते समय गेहूं का फसल काटेंगे, क्या संभव है? नहीं हो सकता है। यदि आप गेहूं का फसल बोते हैं तो गेहूं का ही फसल काटते हैं, यदि धान का फसल बोते हैं तो धान का ही फसल काटते हैं। इसलिए कर्मों को खराब मत करिए, भगवान के भरोसे मत बैठे रहिए। कोई भगवान नहीं कहते हैं कि मेरे भरोसे बैठे रहो, सभी महापुरुष आदरणीय हैं, सभी भगवान आदरणीय हैं, उनके अनुसार जीवन को बदलिए। इसलिए मैंने बीच में कहा पूजा चरित्र की होती है, चित्र की पूजा नहीं होती है, चित्र की पूजा नहीं होती है। कोई आदमी यदि अच्छा कपड़े पहने हो और अच्छे गहने पहने हो और सुंदर दिखता हो, तो सुंदरता किसकी है बता दूं मैं? वो कपड़े की सुंदरता है, आपकी सुंदरता नहीं है। और गहने से अच्छे दिख रहे हैं तो गहने की सुंदरता है, शरीर से अच्छा दिख रहे हैं तो शरीर की सुंदरता है, आपकी सुंदरता नहीं है। आप मत भूल जाना, आपकी सुंदरता है, आपकी सुंदरता वाणी से होती है, आपकी सुंदरता प्रेम से होती है, आपकी सुंदरता बड़ों का सम्मान करने से होती है, आपकी सुंदरता सरल स्वभाव से होती है, आपकी सुंदरता इसी से है, और इसी से घर बनता है, इसी से घर और समाज का परिवार का निर्माण होता है। जैसे मकान बनाने में ईंट और छड़ सीमेंट से मकान बनता है, ईंट के ऊपर ईंट रखते चले जाए तो ईंट भरभरा करके गिर पड़ता है। उसकी मजबूती के लिए क्या लगाते हैं? सीमेंट और बालू रूपी मसाला लगाते हैं मजबूती के लिए। मैं अपनी बातों पर आऊं, बोलिए गुरुदेव की जय। इसलिए कर्मों की सुधार, मैं कह रहा था कि पूजा चित्र की नहीं चरित्र की होती है, पूजा चरित्र की होती है। महान सुकरात एक संत हुए हैं, वो चित्र से बहुत अच्छा नहीं दिखते थे, लेकिन उनका चरित्र, उनका स्वभाव इतना निर्मल था कि लोग आज उनको पूछते हैं, लोग आज उनको पूछते हैं। जिस महापुरुषों को हम पूजते हैं उनके चरित्र को देखिए। श्री हनुमान जी की पूजा होती है, हनुमान जी से पूंछ लटके हुए है, वानर जाति कहा जाता है, हकीकत में रहा वह श्री हनुमान जी हुए होंगे तो उसका पूंछ नहीं रहा, एक जाति है, चेहरे से कोई इतना अच्छा नहीं दिखता था, लेकिन वो सेवक थे इसलिए उनकी पूजा होती है। कोई आदमी किसी की कोई प्रशंसा होती है तो कोई आदमी 5 साल के लिए सरपंच बनता है तो सरपंच पंच की प्रशंसा होती है। कोई आदमी के पास ट्रैक्टर या गाड़ी मोटरसाइकिल होता है, धन होता है, गाड़ी होता है, उसकी प्रशंसा होती है। मतलब प्रशंसा धन की है, आपकी प्रशंसा नहीं है। आपकी प्रशंसा आपके सुंदर स्वभाव से होता है, आपके सुंदर स्वभाव से होता है। सद्गुरु कबीर साहब ने कहा है,
जही मरने से जग जरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई पूरन परमानंद। कबीर कमाई आपने निष्फल कभी न जाए, हम जो जीवन में जो बीज बोते हैं वो कभी निष्फल नहीं जाता। इसलिए अच्छे कर्मों का निर्माण करिए हम। अच्छे कर्मों का निर्माण करने से ही हमारे जीवन में विकास हो सकता है, अन्यथा हम जहाँ के तहाँ रह जाएंगे। हम मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, किसी महापुरुष की अलौकिकता अलौकिकता और चमत्कार से महापुरुष की प्रसिद्धि नहीं होती है। किसी को छिछलापन साबित करना हो तो उसको अलौकिक और चमत्कार बता दो, आदमी वो छिछलापन साबित हो जाता है, क्योंकि वो धर्म विज्ञान के साथ बैठती नहीं है बातें। जब विज्ञान के साथ वो बातें कटना शुरू होती है, मतलब उसका छिछलापन साबित हो जाता है। इसलिए किसी महापुरुष को अलौकिकता और चमत्कार नहीं बताना चाहिए। सभी महापुरुष आदरणीय हैं, सभी महापुरुष इंसान जैसे माँ के गर्भ से पैदा होता है, वैसे ही हमारे जितने भी इस दुनिया धराताल में महापुरुष आए हैं, सभी महापुरुष वैसे ही जन्म लिए हैं। इसलिए हम सभी महापुरुषों की बातों को माने और जीवन में आचरण करें। अब रही बात साधना की, साधना क्या है, ध्यान क्या है। मैंने मोक्ष के बारे में तो बता दिया, मोक्ष किसे मिल सकता है और मोक्ष के हकदार कौन हैं? मैं आप सभी को बताया कि मोक्ष के हकदार आप सभी के सभी हैं और सभी के सभी मोक्ष का काम कर सकते हैं। ध्यान क्या है? ध्यान की एक अंतिम ऊंचाई स्थिति है, कुछ ना करना ध्यान है, कुछ ना करना। एक गूढ़ रहस्य है, इसको आप ध्यान से सुनेंगे, बहुत सारे आपके जीवन से जो कलमस है ना, जितने भी महापुरुष हुए उनके महापुरुषों के जीवन में एक मुख्य चीज मुख्य बिंदु रहा है, ध्यान। ध्यान क्या है? ध्यान कुछ ना करना, कुछ ना सोचना, अंदर से एकदम निष्क्रिय हो जाना, ये ध्यान है। ये कहने में कितना सरल है, इसको करने में पूरा जीवन बीत जाएगा, तब किसी किसी को उपलब्धि मिल पाती है। आप जैसे ही बैठेंगे, एकांत में बैठेंगे और आप जीवन में जो कुछ भी हम जीवन में पूरा पात किए रहते हैं ना, इसके साथ लड़ाई, इसके साथ भिड़ाई, जमीन के लिए, पैसे के लिए, परिवार के लिए, कपड़े के लिए, गहने के लिए, गाड़ी के लिए, घोड़े के लिए, जो लड़ाई किए रहते हैं ना, वो हमारे सामने आता है, तब तब अटैक करता है हम ध्यान में बैठते हैं। ध्यान की शुरुआत स्थिति क्या होती है? जैसे किसी भी महापुरुषों को जानना है तो महापुरुषों को जानने के लिए महापुरुषों के साथ जुड़ना होता है। इसीलिए कुछ लोग पूजा से शुरू करते हैं, पाठ से शुरू करते हैं और पूजा और पाठ से धीरे धीरे उनके चित्र से चरित्र तक पहुंचते हैं। ध्यान के लिए क्या होता है? ध्यान हम शुरू में भगवान का ध्यान करते हैं, जिसको भगवान मानते हैं। मैंने तो प्रथम भगवान माता पिता का जाना, मैं बीच में चीज कहा उसको बता दूं। इसलिए हर घर में माता पिता की पहली पूजा होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमको जन्म दिया। उनको जब हमारे पास एक विषम परिस्थिति आ जाए, आज हमको बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाए हमारे सामने, तो हमारे सामने सबसे पहले घर के सदस्य सामने आएंगे, माता पिता सामने आएंगे, आपके भाई सामने आएंगे, आपके पड़ोसी सामने आएंगे। इसलिए असली भगवान वो लोग हैं। उसके बाद में आप जिस भगवान की पूजा करते हैं उस भगवान की पूजा, प्राइमरी माता पिता होना चाहिए, सेकेंडरी आप जिस आराध्य को मानते हैं वो सेकेंडरी है मेरे हिसाब से, आपकी श्रद्धा आप जिसको करते हैं। ध्यान ध्यान में इसलिए आप किसी गुरु का ध्यान लगा सकते हैं, कबीर साहब का ध्यान लगा सकते हैं, बुद्ध का, महावीर का, ईसा का, मोहम्मद साहब का, जिसका आप ध्यान लगाना चाहते हैं, सभी महापुरुष आदरणीय है। ये ध्यान की प्रक्रिया है। ध्यान लगाते हैं आप उसको देखते हैं, उनके चित्र को देखते हैं, ये ध्यान की एक प्रक्रिया है। ध्यान की दूसरी प्रक्रिया है कि हम अपने ही श्वासों को एकांत में बैठ जाए, कोई विचार नहीं मन में, अपने ही श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, ये एक प्रकार का जीवन में जुड़ने का सीढ़ी है। ये सीढ़ी ध्यान तक पहुंचने का एक सीढ़ी है। हम अपने ही श्वासों को देखते हैं, अपने ही शरीर के ब्लड प्रेशर को, शरीर में जो धड़कने हो रही है उनको देखते हैं और बैठ जाते हैं। आप एकदम शांत, एकदम रिलैक्स बैठ जाइए, आप अकेले में, आपके शरीर में जो धड़क रहा है ना, ब्लड प्रेशर हो रहा है, वो आपको सुनाई देना शुरू हो जाएगा। उस पर आप ध्यान लगाते हैं। कुछ गुरु कहते हैं आंखों को बंद कर दो और आंखों को ऐसे प्रेशर देते हैं और कहते हैं मैं तुमको भगवान का दर्शन करा रहा हूं,
और जैसे ही आप आंखों को प्रेशर देते हैं आंख में गर्मी पैदा होती है और आंख में गर्मी पैदा होने से वहां प्रकाश दिखाई देता है। गुरुजन कहते हैं यही साक्षात भगवान है। नहीं, आप किसी गुरु के बिना आप अपने घर में आंखों में बैठ करके अकेले में बैठ जाइए, शांत चित्त से बैठ जाइए, आंखों में दबाव डालिए, आंख में गर्मियां आएगी, आपको प्रकाश दिखाई देगा, उजाला दिखाई देगा, आंख बंद है पर भी। इस भ्रम जाल में आप कभी मत पड़िए, इससे भगवान का दर्शन नहीं होता है। पहले एक चीज और कहते कहते बताना भूल गए मैं, असली भगवान आपके घर के सदस्य है, आपका घर पूरा मंदिर है, लेकिन लोग असली भगवान घर के सदस्यों को माने तो लड़ाई किसके साथ करे, समस्या तो ये है। और भोजन कैसे बचेगा फिर, लड़ाई नहीं करेंगे तो इसलिए भगवान इसको नहीं मानेंगे। भगवान उसको मानेंगे जो बोलता नहीं, खाता नहीं, पीता नहीं, चलता नहीं, उसको भगवान मान ले और उसकी पूजा करे। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, पहले से कह रहा हूँ वो महापुरुष है, वो हमको ऊंची स्तर तक पहुंचाएंगे उनकी बातें, उनका विरोध नहीं है, लेकिन उस असली भगवान को भी जानिए जो हमको सही दिशा देता है, सही दिशा देता है। इसलिए ध्यान के लिए आप अपने ही श्वास को, अपने ही शरीर के ब्लड प्रेशर को देखिए। अंतिम आप क्रम कम बढ़ते जाएंगे, थोड़े में नहीं होता है, 8-8 घंटा 10-10 घंटा आप अभ्यास करेंगे तब ये ध्यान तक आप पहुंच पाते हैं, अन्यथा ध्यान तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। ध्यान के लिए आप अपने श्वास को देखते हैं, फिर अपने विचारों को देखते जाइए। आप अकेले में बैठ जाएंगे, अकेले में बैठने के बाद में कुछ नहीं सोचेंगे, आपके अंदर कुछ नहीं सोचते हुए भी बहुत सारे विचार पैदा होते जाएंगे, विचार पैदा होते जाएंगे। जैसे एक व्यक्ति नदी के धारा के किनारे बैठता है और नदी के धारे के किनारे बैठ करके नदी के धाराओं को देखता है, नदी के धाराओं को देखता है, नदी के धाराओं में बहता नहीं है, आपके अंदर एक विचार पैदा हो रहे हैं, उन विचारों को देखते जाइए, विचारों में बहिए मत। ये एक प्रकार का ध्यान है, लेकिन अंतिम ध्यान यह भी नहीं है, अंतिम ध्यान यह भी नहीं है। आप सिर्फ विचारों को देखते जाते हैं, विचारों को देखते जाते हैं, आपका विचार आता है जाता है, धीरे धीरे विचार कम होते चले जाते हैं, धीरे धीरे और कम होते चले जाते हैं। आप रोज अभ्यास करते जाएंगे, रोज अभ्यास करते चले जाएंगे, आपके अंदर से बिना ऐसी स्थिति आएगी, आप रिलैक्स बैठेंगे, आपके अंदर कोई विचार नहीं आएगा, कोई विचार नहीं, आप शरीर से भी स्थिर, मन से भी स्थिर, विचारों से भी कोई विचार नहीं, आप जागृत स्वरूप हैं। कोई आपके बगल से गए, आहट हुआ, लेकिन कोई मतलब नहीं, आप एकदम शांत बैठे हैं, कोई विचार आप सबके अंदर ये होता है, जरूर होता है, कभी न कभी एहसास क्यों होंगे, 1 सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए 5 सेकंड के लिए आपको लगेगा मेरे अंदर कोई विचार नहीं था, हो चुका है, आप एहसास करिए इस चीज को, हो चुका है। इसी को जितना लंबे समय तक ले जा सकते हैं, 10 मिनट के लिए, पहले तो 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड 30 सेकंड 40 सेकंड आप बढ़ते जाएंगे, आपके अंदर कोई विचार नहीं आएगा, असली ध्यान ये है। और इसको करने में पूरा जीवन घसीट जाता है, तब किसी चीज को उपलब्धि मिल पाती है, क्योंकि हम इसके लिए विकास ही नहीं करते हैं, इसके लिए हम मेहनत ही नहीं करते हैं, क्योंकि मेहनत हम जिस चीज के लिए करते हैं विकास होता है। मैंने पहले ही कहा, धन के लिए मेहनत करते हैं, धन का विकास होता है, परिवार के लिए मेहनत करते हैं, परिवार का विकास होता है, गाड़ी घोड़े बंगले मकान नौकरी के लिए विकास मेहनत करते हैं, इसका विकास होता है। क्या शांति के लिए भी मेहनत करते हैं? क्या अपने लिए हम जीवन में टाइम देते हैं? हम सारा समय बोलिए सतगुरुदेव की जय, ऐसा लग रहा है मैं बोल रहा हूं लेकिन लोगों का ध्यान नहीं है। ध्यान से सुने, बच्चे को अपने अंकुश में रखे, ध्यान एक गूढ़ रहस्य है। और जो लोग भी परम शांति को पाना चाहते हैं ध्यान की ओर बढ़िए, शुरुआत करिए, अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण विषय है। आप सुबह बिस्तर से उठने के बाद में 5 मिनट टाइम दीजिए, कम से कम 5 मिनट टाइम दीजिए और अपने को कहिए ध्यान उपासना के लिए आज मैं जीवन का शुरुआत कर रहा हूँ। ध्यान करिए, बैठ जाइए अकेले में, आज मैं क्रोध नहीं करूंगा, आज मैं कोई मेरे साथ द्वेष के भाव से बोलेगा पर भी मैं उनको द्वेष के भाव से नहीं, मैं मीठा वाणी का प्रयोग करूंगा। वाणी एक ऐसी कला है जिसके अंदर पूरी दुनिया समाई हुई है। वाणी की बात आई तो मैं कहता हूँ हमारे भारत देश में जितने भी केस चल रहे हैं उसमें 80% केस हैं जो बातें हैं, जो लड़ाइयां हैं, वो बात की लड़ाई है।
किसी को कहा जाता है क्यों भाई साहब दो दो चर्चा इंच जमीन के लिए भाई और भाई लड़ते हैं, तो भाई साहब कहते हैं भाई साहब जमीन की लड़ाई नहीं है, मेरे भाई ने मुझे ऐसे बोला था, क्या उनको ऐसे बोलना चाहिए था। बात की लड़ाई हमारे भारत देश में जितनी भी लड़ाइयां चल रही है 80% लड़ाई बात की लड़ाई है। इसलिए साहब ने अभी साथी कहे शब्द समारे बोलिए शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे एक शब्द करे घाव। हमारे भारतीय परंपरा में दो उपन्यास है महाभारत और रामायण, ये दोनों बात की लड़ाई है। अगर वाणी में संयम होता तो महाभारत युद्ध नहीं होता। मैं अंतिम उनके पॉइंट पर जाऊं, जब राजसिक्य करते हैं तो द्रौपदी कहती है अहंकार और गर्व से भरे हुए, क्रूरता अहंकार से भरे हुए दुर्योधन को कहते हैं अंधे के अंधे पुत्र, पूरा महाभारत लड़ाई पूरा महाभारत का विनाश एक ही शब्द था। जब हिरण मारीच का वेश बना करके जंगल में जाता है और उसको देख करके सीता लोभित हो जाती है और लोभित हो जाती है, श्री राम उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं और श्री राम के आवाज में लक्ष्मण को पुकारते हैं तो सीता घबरा जाती है। और जब सीता घबरा करके, मैं बहुत कम शब्दों में बता रहा हूँ, कहानी नहीं बता रहा हूँ पूरा, बहुत कम शब्दों में बता रहा हूँ कि वो कहते हैं जब लक्ष्मण जाने को तैयार नहीं होते हैं तो कहते हैं तुम लोग कुल के नीच हो, कुछ कुल के नीच हो, तुम लोगों ने पहले से ही मीटिंग कर रखा था कि सीता को राम को मार लेंगे और सीता को अपना लेंगे और राज अपने हाथ में ले लेंगे, मैं तुम्हारे चंगुल में कभी नहीं फंसने वाली। ऐसी कटु वचन जब सीता बोलना शुरू करती है, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भारी है, उनको ऐसे कटु वचन बोलने की क्या जरूरत। राजा दशरथ की पुत्र वधु है, उनको ऐसे कटु वचन बोलने की क्या जरूरत है। हम कबीर पंथी है, गायत्री वाले हैं, राधा स्वामी वाले हैं, हमारे मुख से भी कटु वचन निकले, अरे अनपढ़ आदमी के मुख से भी कटु वचन निकले, तो उनमें और हमें अंतर क्या है, हम फिर धार्मिक कैसे हुए। इसलिए हम जीवन की परिभाषा को बदले, प्रेम का प्रेम को स्थान दे, प्रेम आपके घर में सुखने ना पाए। प्रेम ही एक महत्वपूर्ण स्थिति है जो कि हंसते हुए एक शब्द एक ऐसा माध्यम है जो कि हंसते हुए को रुलाया जा सकता है और रोते हुए को हंसाया जा सकता है। शब्द में इतनी शक्ति है, शब्द में इतनी शक्ति है और प्रेम में इतनी शक्ति है कि टूटते घर को जोड़ा जा सकता है। प्रेम में इतनी शक्ति है, प्रेम ही घर को जोड़ करके रखता है, प्रेम ही समाज को जोड़ करके रखता है, प्रेम ही राष्ट्र का निर्माण करता है। प्रेम की ताकत में आप जानते हैं सर्कस दिखाने वाले, सर्कस दिखाने वाले शेर जैसे खूंखार जानवर को अपने अंकुश में नचाता है, बेटा बैठ जाओ शेर को कहता है, शेर बैठ जाता है प्रेम के इशारे में, डंडा नहीं मारता है, वो डंडा नहीं मारता है, प्रेम से कहता है बेटा बैठ जाओ, आदमी के ऊपर बैठता है शेर लेकिन हावी नहीं होता है वो। प्रेम में इतनी शक्ति है, प्रेम के इशारे पर खूंखार से खूंखार जानवर को आदमी नचाता है। जब प्रेम के इशारे पर चूहे और बिल्ली एक दूसरे में लड़ाइया खेल दिखाने वाले जगह खेल दिखा रहा था, खेल दिखाने के दौरान हुआ क्या, उनके पास में कई जानवर थी, मैं कम शब्दों में बता रहा हूँ, उनके पास में कई जानवर सांप और नेवला का सब लड़ाइया चली, एक दूसरे खूना खून हो गए, खूना खून हो गए। इतना में मदारी खेल दिखाने वाला कहता है बेटा बस करो, बैठ जाओ तुम अपने अपने जगह में। उस सर्प और नेवला अपने अपने गुफा में जाता है, बैठ जाता है। प्रेम की शक्ति है, प्रेम की शक्ति, प्रेम के इशारे पर कुत्ता, जब आप कितना ही दूर हो और घर के मालिक है आपके कुत्ते हैं, आप उनका नाम लेते हैं बंटी इधर आ जाओ, वो बहुत दूर है, दौड़ करके आपके पास आकर के चरणों में गिरता है प्रेम के इशारे पर। क्या हम प्रेम करने के अधिकारी नहीं है, हमको प्रेम करना सीखना होगा, प्रेम करना सीखना होगा। आपस में आपके ये एक चीज और कहना चाहता हूं मैं, आपके महाराष्ट्र में और करीब करीब एमपी में ज्यादा है, एमपी और यूपी में अपनी बेटियों से पैर नहीं छुआते हैं। आप सभी से निवेदन करता हूँ, ये हमारा भारत की परंपरा है, भारतीय परंपरा है, अपने बेटियों को कभी पैर छूने से मना मत करिए। और अपने बेटियों से बहनों से निवेदन है, बहुओं से निवेदन है कि अपनी सासू माँ का, अपने ससुर जी का, अपने पति जी का, अपने भाइयों का प्रणाम करने से पीछे मत हटिए। पैर झुकने भी आप इतना कंजूस मत बन जाइए कि आपके पास झुकने की भी शक्ति न रह जाए। आप दानवीर है, कम से कम झुकने के लिए दानी बनिए। आप लोग पैर झुकिए, जब जब आप नीचे झुकेंगे, जब जब उनका पैर बस नहीं पड़ते हैं आप,
प्रणाम बस नहीं करते हैं। आप जब जब माता पिता के चरणों में झुकते हैं, जब जब पति के चरणों में झुकते हैं, आपको एक आशीर्वाद मिलता है, आपको एक प्रेम का एक आशीर्वाद मिलता है, एक आप उनके अंदर से एक तरंग प्रवाहित होता है जिसके बदौलत आपके मन में प्रसन्नता से भर जाती है। मैंने बीच में कहा था कम से कम साल में फेस्टिवल में त्योहार में आप जितना ही प्रेम से देवी देवता की पूजा करते हैं, कम से कम साल में 2-4 बार 6 बार माता पिता के भी गले में हार पहना लिया करिए और माता पिता की आरती उतार लिया करे, आपका जीवन सुंदर बन जाएगा। जीवन में विकास करिए, आपस में बहु सास बहु में प्रेम हो, इसी से जीवन का निर्माण होता है। सास बहु में कभी लड़ाइयां मत हो, एक माँ को छोड़ करके आती है बेटियां दूसरों माँ के घर में रहती है, उसके घर में आप उनकी बेटी की तरह रहिए और बेटी की तरह जीवन यापन करिए। और माताओं से निवेदन है, आपकी बेटी तो कहीं दूर चली जाती है, आपके घर में कोई दूसरी बेटी आई है उनको इतना प्यार से रखिए कि उनको अपने ननिहाल का अपने मायके का भी याद न रह जाए, बस आप में मस्त हो जाए, आपकी बेटी की तरह जीवन जियो, आनंद प्रसन्नता से जीवन जिए। जब जब उनको आप उनको मायके भेजे तो आप अपनी बहू को कहे 4-6 दिन में आ जाना बेटी, तो आपकी बेटी 2-3 दिन में दौड़ के आ जाए, ऐसा प्रेम तो देना शुरू करिए आपकी हो जाए। मैं अभी 2 साल पहले इलाहाबाद से रायपुर आया तो एक जगह क्योंकि सेंटर वहां रुका था, तो एक लड़की लगभग एक बहन है लगभग 30-35 साल की रही रही 35 साल की रही रही 35 साल की रही होगी वो, क्योंकि सेंटर में केक बनाने सीखना आती थी, सीखने के लिए आती थी और वहाँ केक बनाना सीख रही थी 4-व्हीलर गाड़ी से आती थी। मैंने पूछा, आप इतनी संपन्न घर से हैं, जैन परंपरा से थी वो, और मैंने पूछा आप इतने संपन्न घर से 4-व्हीलर लाखों की गाड़ी से आप केक बनाने सीखने आते हैं, क्या आप कुकी सेंटर खोलेंगे? मेरे मन में रहा नहीं गया, पूछा। उनको सिखाने वाले बोले कि साहेब, और वो बोले कि मैं कुकी सेंटर नहीं खोलूंगी, मेरे पास में एक खिलौना था, मेरे जीवन यापन करने का एक साधन था, वो साधन नहीं रह गया, इसलिए मैं टाइम पास करने के लिए कुकी सेंटर आती। मैंने पूछा आखिर है क्या? वो बोलती है मेरे शादी हुए करीब करीब 15 साल हो गए शादी हुई, लेकिन इस शादी होने के 15 साल मैं अपने सासू माँ के साथ रही और सासू माँ का नाम शांति माता, जैसा उनका नाम वैसा उनका जीवन वैसा उनका गुण, आज तक मुझे कटु शब्द नहीं बोले। मेरे 15 साल जैसे 15 दिन की तरह निकल गए और मेरे 15 दिन आज 15 साल की तरह लग रहे हैं। उनके अंदर एक वेदना थी। आपके घर में ऐसा होता है? शादी हुई 4 दिन हुए, 6 दिन हुए, 6 महीना हुए, लगता है जीवन अब कठिन हो रहा है, आप में कहीं कमी ना हो, आप तराशिए, जीवन का निर्माण करिए। जितना ही आप अपने को तराशते हैं उतना ही आप महान होते चले जाते हैं, जितना ही सोने चांदी को तराशा जाता है उनका कीमत बढ़ता है, हीरे को तराशने के बाद हीरे का कीमत बढ़ता चला जाता है। हीरे के व्यापारी सूरत में 1 साल रहना हुआ, हमारा आश्रम है सूरत में, तो वहाँ हीरे के व्यापारी आए, कच्चे हीरे को दिखाए, साहेब जी ये कच्चा हीरा है और ये तराशा हुआ हीरा है, इस हीरे का कीमत यदि 2 लाख रुपया है और इस हीरे को तराश दिया जाएगा तो इस हीरे का कीमत करीब करीब 8 लाख रुपया हो जाता है। आप भी अपने जीवन को तराश देते हैं तो भगवान और संत और महापुरुष बन जाते हैं, और जीवन को नहीं तराशते हैं तो कचड़े के मोल में जीवन को बर्बाद करते हैं। इसलिए प्रेम को स्थान दीजिए, आपस में सास बहू में यदि प्रेम रहता है तो घर का निर्माण होता है। एक घटना बताऊं फिर अपनी बात समाप्त करूं। सास और बहू आपस में रोज लड़ाइयां होती थी। रोज लड़ाई के दौरान यह होता था कि बहू तेज तर्रार थी, रोज सासू माँ रोते रोते अपने कमरे में जाती थी। कोई बहू तेज तर्रार होगी तो सावधान हो जाना, रोते रोते रोज कमरे में जाती थी। कैसे सावधान होना है आप जान लीजिएगा, आप किसी भी नंबर आने वाली है सुन लीजिए घटना में। रोज रोते रोते सासू माँ कमरे में जाती थी, उनका छोटा सा 4 साल का पोता इसको देखता था। एक दिन छोटा सा पोता उनके सासू माँ कमरे में गए, उसके पीछे पीछे उनका पोता भी कमरे में गया और कमरे में जाकर के अपने सासू माँ का पल्लू उठाता है और पल्लू उठा करके अपने सासू अपने अपने दादी का अपने दादी का पल्लू उठाता है और दादी का पल्लू उठा करके आंसू पोंछता है और आंसू पोंछते बोलता है, दादी माँ तुम रो मत, मेरी माँ बहुत दुष्टा है।
जब मैं भी बड़ा हो जाऊंगा और मेरी भी शादी होगी तो मैं अपनी पत्नी से कहूंगा कि तुम अपनी सासू माँ की कभी सेवा मत करना, क्योंकि अपनी सासू माँ से रोज लड़ाई किया। आपकी यही स्थिति होगी यदि आज सावधान नहीं रहे। एक घटना और बताऊं मैं। प्रेम एक इतनी शक्ति है, प्रेम में इतनी शक्ति है कि आप प्रेम के आधार पर आप बेटी बहू नहीं बेटी बन जाते हैं, बहू नहीं बेटी बन जाते हैं। एक संत घर से निकलते हुए रास्ते से जा रहे थे, रास्ते जा रहे थे, एक बुढ़िया माँ करीब करीब 80 साल की अवस्था रही होगी, शरीर में चिकन आ गया था। 80 साल की अवस्था जर्जरता की अवस्था होती है, लेकिन हमारे साहब को बहुत ज्यादा उम्र है, लेकिन तगड़े हैं अभी, तगड़े हैं अभी। साहब के सामने 88 साल की उम्र, 88 साल, कोई विश्वास नहीं करेंगे अभी साहब जी को 88 साल। आज की स्थिति में 70-80 साल में जवाब दे देता है शरीर, लेकिन ये शक्ति को, एनर्जी को इंक्लूड करने की ताकत है साहब में, इसलिए आज इतने स्वस्थ हैं। मैं अपनी बात पर आऊं, 80 साल की जर्जर अवस्था, बेटियां उनको प्यार से नहला रही थी। इतने में संत पूछते हैं, क्या बेटी तुम्हारी माँ है इतना प्यार से नहला रही हो? वो बेटी बोलती है, नहीं महाराज जी, मेरी माँ से बढ़ करके रिश्ता है। उनको रहा नहीं गया, फिर से पूछते हैं, क्या तुम्हारी सासू माँ है इतने प्यार से नहला रही हो? वो बेटी बोलती है, नहीं महाराज जी, मेरी माँ से बढ़कर के रिश्ता है। आपको आश्चर्य होता होगा, माँ और सासू माँ से बढ़कर के रिश्ता क्या हो सकता है? फिर भी रहा नहीं गया उस संत को और पूछते हैं, क्या तुम्हारी सासू माँ नहीं तो माँ नहीं तो कौन है आखिर? वो बेटी बोलती है, वो बोल सकती थी सासू माँ है, लेकिन वो बेटी बोलती है, महाराज जी, अपने मन की वेदनाओं को प्रकट करते हुए बोलती है, महाराज जी वो माँ है जिसके कोख में मेरे सुहाग पला है, महाराज जी वो माँ है जिसके कोख में मेरे सुहाग पला है, जिसके बदौलत आज मेरे माथे पे बिंदिया है, जिसके बदौलत आज मैं इस घर में टिकी हुई हूँ, जिसके बदौलत आज मैं स्वर्ग की जिंदगी जी रही हूँ। इसलिए आप प्रेम को स्थान दीजिए और सद्गुरु कबीर के विचारों को सुनिए। भ्रांति और कर्मकांड और पाखंड से बचकर के रहिए। सत्य ज्ञान वह ज्ञान है जिसमें भ्रांतियां और कर्मकांड और पाखंड ना हो। जिस ज्ञान से खुद को शांति मिलती हो, औरों को शांति मिलती हो, वह ज्ञान जिसमें संतोष महसूस होता हो, उन ज्ञान से आप जुड़िए और अपने जीवन का निर्माण करिए। निश्चित ही आपका जीवन सफल होगा। आप सभी ने मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुने, इसके लिए आप सभी को अनेक अनेक धन्यवाद। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। अब क्या इतना विस्तार कह दिए मैंने।